और मेरे भाई लोग कैसे हो, सब ठीक है ना? आज हम बात करने वाले द पनिशर के बारे में। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। हमें दिखाई जाती है एक क्लास जहाँ पर एक टीचर अपने स्टूडेंट को पियानो बजाना सिखा रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि होता है द पनिशर। अगर आपको पनिशर के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दरअसल पनिशर मार्वल कॉमिक का बहुत ज्यादा पॉपुलर सुपर हीरो है जिसका असली नाम दरअसल फ्रैंक हेसिल है। पनिशर अंदर जाते ही टीचर को बोलते क्या है? तुम हो म्यूजिक टीचर? पनिशर को देखते ही म्यूजिक टीचर काफी घबरा जाता है। वो पनिशर से कहता है कि कुछ समय पहले मैंने थोड़ा सा वीड लिया था, उसके अलावा कुछ नहीं लिया। लेकिन पनिशर उससे बोलता है कि दरअसल मैं पियानो वायर लेने आया हूँ। ये सुनते ही वो म्यूजिक टीचर उसके हाथ में पियानो वायर पकड़ा देता है और पनिशर वहां से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं पनिशर अपने मन में ही बोलता है कि न्यूयॉर्क शुरू से ही एक हेल है। ये कॉस्ट्यूम में स्विंग करने वाले स्पीक और दुपट्टा पहनने वालों से मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ और इन सब चीजों को देखकर या तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज या थोर का झमेला है, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब कुछ सोचते हुए पनिशर उस पियानो वायर को रोड के एक एंड से दूसरे एंड तक बांध देता है। कुछ समय बाद मार्केट का एक डार्क एल्फ पनिशर पे अटैक करने के लिए आता है। उसे उस पियानो वायर का पता नहीं चलता और प्लग झपकते ही उस पियानो वायर के कारण डार्क एल्फ का गर्दन कटकर नीचे गिर जाती है। लेकिन अगले ही पल उससे भी बड़ा एक मॉन्स्टर दौड़ा चला आता है और पनिशर पे अटैक करना चालू करता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पनिशर दरअसल किसी भी फाइट लेने से पीछे नहीं हटता। वो अपनी गन्स को उठाता है और उस मॉन्स्टर पे फायर करना चालू करता है। पनिशर जैसे तैसे उस बड़े मॉन्स्टर को मार के नीचे गिराता है कि तभी पनिशर पीछे मुड़ के देखता है कि एक बड़ा सा फ्रॉस्ट जायंट उसके पीछे खड़ा था। पनिशर जैसे तैसे उस बड़े से फ्रॉस्ट जायंट से बच जाता है और दो बम को निकाल के उसके पैरों के नीचे डाल देता है। लेकिन उस दोनों बम का उस फ्रॉस्ट जायंट पे कोई असर नहीं होता। लेकिन वो पनिशर की ओर ढूंढे हुए उस ट्रक की ओर आने लगता है। लेकिन ये सब पनिशर ने पहले से प्लान करके रखा था। दरअसल पनिशर उस ट्रक का फ्यूलन काट कर उसके नीचे एक जलता हुआ लाइटर छोड़ देता है। जैसे ही बड़ा सा मॉन्स्टर उस ट्रक को उठाता है उसके मुंह पर एक जबरदस्त धमाका होता है और उसका चेहरा पूरी तरह से आग से जल उठता है। लेकिन ये चीज उस फ्रोजन को उसके गुस्से को और ज्यादा बढ़ाती है। लेकिन अपने पास खड़ी कार उठाकर पनिशर की ओर फेंकने लगता है। पनिशर उसे रोकने की कोशिश करता है ये बोलकर कि उस कार में एक पहले से फैमिली मौजूद है। लेकिन उस फ्रोजन को उस फैमिली की थोड़ी भी लेकिन वो तुरंत ही उठाकर उस कार को पनिशर की ओर फेंक देता है। पनिशर उस कार से तो बच जाता है एक खंभे से टकराने के बाद वो कार ब्लास्ट हो जाती है। उस कार में एक जबरदस्त धमाका होता है। लेकिन उस फैमिली को बचाने के लिए पनिशर बहुत तेजी से उस कार की ओर आ जाता है। जैसे ही पनिशर उस कार के पास पहुंच जाता है उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि कार में सिर्फ एक बंदा ही बचा। उसे वो जैसे तैसे निकालता है और वहां पर एक नजदीकी हॉस्पिटल में उसको ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे ये एहसास हो जाता है कि हालत और भी खराब है क्योंकि हॉस्पिटल में भी आग लगी हुई थी और वहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ वहाँ के पेशेंट को दूर ले जा रहे थे। लेकिन पनिशर उनसे कहता है कि उनका रास्ता एक टनल से होकर निकलता है और इस हालत में और टनल को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो डॉक्टर पनिशर की बात को बिल्कुल भी नहीं, अगर उनकी मदद करना चाहता है तो उसका स्वागत। लेकिन पनिशर बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी मदद करने के लिए वो अकेला काफी नहीं है और इन्हीं सारी चीजों को सोचते हुए वो एक बस की ओर जाता है जो कि होती है एक जेल बस जिसमें बहुत सारे कैदी उस बस में बंद थे। पनिशर देखता है कि उस बस पर एक फायर मॉन्स्टर उस पे झुमा हुआ है। पनिशर तुरंत अपने पास से एक ग्रेनेड लॉन्चर निकालता है और उस फायर मॉन्स्टर के मुंह पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और उसके बाद वो बस में जाने लगता है और उन कैदी को लगता है कि अभी वो बच गए। लेकिन पनिशर को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। सब पनिशर को बोलते हैं कि कितने बड़े क्रिमिनल है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन सारी बातों को भूलकर आप हमारी जान बचा लो। पनिशर उनसे बोलता है तुम्हारा नाम एनिमा फोर्नाडे है ना, तुम मेरी लिस्ट में हो और अगर दोबारा तुमने बीच में बोला मैं तुम्हारे फ्रेंड से इस बस की दीवार को रंग दूंगा। पनिशर उन सब के सामने एक वेपन की बैग को फेंकता है और उनसे कहता है वैसे तुम्हें तुम सारे क्रिमिनल को मार मार कर